बच्चे बकरे बच्चे ऐसे मत कूदना, बकरे बच्चे ऐसे मत कूदना, बकरे बच्चे ऐसे मत कूदना, होश के बिना कूदने पर कहीं गिर जाएंगी। मुन्नी, मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। किसके लिए नन्ही? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखा दूंगी। क्या है नन्ही? मेरे साथ आओगी तो दिखा दूंगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। देखो वहाँ। अरे कितने सुंदर। बगीचे पूरे मोतियाँ, कौन यहाँ डाला है? बगीचे पूरे मोतियाँ, कौन यहाँ डाला है? बगीचे पूरे मोतियाँ, कौन यहाँ डाला है? पुकार रही है हमें बाग माला बना के घास में, पुकार रही है हमें बाग माला बना के घास में। बगीचे पूरे मोतियाँ, कौन यहाँ डाला है? मोतियाँ बाग में पूरी ठंडी है, बन गए सुंदर बर्फ के मोतियाँ बाग में पूरी ठंडी है। बर्फ में मिलकर खेलने में पवन को बहुत मजा है, बर्फ में मिलकर खेलने में पवन को बहुत मजा है। बगीचे पूरे मोतियाँ, कौन यहाँ डाला है? बगीचे पूरे कर रही है हमें बाग माला बना के घास में, कर रही है हमें बाग माला बना के घास में। बगीचे पूरे मोतियाँ, कौन यहाँ डाला है? इस मैदान पर चलना बहुत अच्छी है। अरे कल शाम तुम्हें दादा के साथ जाते हुए मैंने देखा था, दादा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, दादा से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। दादा मुझे मिठाई देते हैं, खेलने के लिए खिलौने देते हैं, चक्र बना के देते हैं, और दादा मुझे हर दिन लोरी सुनाते हैं। सच में? कल कौन सी कहानी सुनाई? बंदरों को मूर्ख बनाए टोपी वाला की कहानी। बंदरों को भूत बनाए कहानी, बहुत अच्छा है। मुन्नी, मुझे भी सुना देना वो कहानी। आजे, ऐसा नहीं सुना दूंगी। मुन्नी, मैं तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली है ना, मुझे कहानी नहीं सुना दूंगी, मैं बात नहीं करूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इतने में रुक गई। सुना दूंगी ना। बहुत बहुत पहले गाँव में एक टोपी वाला थी। टोपी चाहिए, टोपी। टोपी बेचने के लिए वे एक गांव में पहुंच गए। अच्छा, टोपी चाहिए, टोपी। बहुत रंगों वाली टोपी, पांच रंगों की टोपी। टोपी चाहिए, टोपी। अच्छा, टोपी चाहिए, टोपी। टोपी चाहिए, टोपी। बहुत रंगों वाली टोपी, पांच रंगों की टोपी। टोपी चाहिए, टोपी। टोपी वाला, एक टोपी। हाँ, कौन सी रंग चाहिए? हरा, पीला, नीला, लाल। नीला। कितना रुपए? ₹10।
अच्छा टोपी चाहिए टोपी, बहुत रंगों वाली टोपी, पांच रंगों की टोपी, टोपी चाहिए टोपी, अच्छा टोपी चाहिए टोपी, टोपी चाहिए टोपी। चलते चलते थके हुए टोपी वाला कुछ देर आराम करने के लिए सोचा। ओह, कितने थके हुए हैं, कुछ देर आराम करके आगे चलेंगे। उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। टोपी के कोटरी वहां पास रखकर टोपी वाला आराम के लिए पेड़ के नीचे बैठा। धक्के होने के कारण वो सो गए। बेचारा टोपी वाला उठने के बाद देखे तो टोपी वहां नहीं था। अरे मेरे टोपिया। वे बहुत दुखी हो गई। बेचारा टोपी वाला अपने टोपियों को बहुत ढूंढा। अरे मेरे सारे टोपियों को ये बंदरों ने ले लिए, अब मैं क्या करूं? ये बदमाश बंदरों मेरे टोपियां वापस नहीं देंगे। मुसीबत। टोपी वापस मिलने के लिए वे अनेक उपाय किए। ये बदमाश बंदरों मेरे टोपियां वापस नहीं देंगे। जो भी वे करते हैं उसका अनुकरण सारे बंदरों करते थे। उपाय मिला। अपने सिर के ऊपर रखा हुआ टोपी को बंदरों के सामने फेंका। तब बंदरों भी ऐसा ही टोपी वाला के सामने टोपियों को फेंका। अरे मेरा भाग्य, सारे टोपियां मुझे वापस मिला। अच्छा टोपी चाहिए टोपी, बहुत रंगों वाली टोपी, पांच रंगों की टोपी, टोपी चाहिए टोपी। अरे अच्छी कहानी है, तेरी कहानी मुझे बहुत पसंद आई। अरे संदर्भों के अनुसार काम करने से ही उसको सारे टोपियां वापस मिला था। हाँ सच है। अरे कितने रंग बिरंगे हैं ये फूले। रंगों के बारे में मैं एक गाना गाती हूँ।
अरे कितने सारे फूले हैं उतने सारे रंगे। मुन्नी तेरी गाना मुझे बहुत पसंद आई। तो टकेला फूल को लाल रंग, चमेली फूल को सफेद रंग, गेंदा फूल को नीला रंग। वहां के मलगोवा आम। किसी भी आम हो तो आप उसे देना, भूख के कारण मैं आप मर जाऊंगा। मेरे पास कोई आम नहीं है यार, भूख के कारण मैं गाना तो गाया। गीत गाना तो ठीक है, पर भूख रहते समय आम के गीत गाना गलत है, तब भूख दुगना हो जाएगा, तो आम के गीत नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक और गाना गाऊंगा तो उसकी मजा लेना। बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी, तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी। अरे बस करो, ये गीत तो भूखे रहने वाले के लिए ठीक नहीं है। दो दिन हुए कुछ तो खाकर, यहाँ में खेला भी नहीं है। वो तो एक फल जैसा दिख रहा है। हाँ, मेरा किस्मत। दोस्त तू यहाँ रुक, मैं उसे खाकर वापस आता हूँ। अरे नहीं, मैं खाकर वापस आता हूँ, मैंने ही उसे पहले देखा था ना। होगा शायद, लेकिन मैंने ही उस फल को पहचाना था ना, तो उस फल मेरा नहीं होगा। मैंने देखा तो फल मुझे ही। अरे वो तो देखना है, ऐसे तुझे खाने मत देंगे। ओ, अरे मुझे छोड़ ना। अरे बंदरों, दोनों झगड़े क्यों कर रहे हो? अच्छे चरित्र वाले कभी भी झगड़ा नहीं करते। हाथी साहब, मैंने ही उस पर को पहले देखा था, तब उस पर मेरा ही होगा ना। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ही उस फल को पहले देखा था। बच्चों, ये भूल जाना कि उसे कौन पहले देखा था। फिर अच्छे भाइयों के तरह दोनों उसे फाड़ कर खाना, वो कभी भी नहीं हो सकता। एक बात के लिए दोनों ऐसे झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया, बाकी सब तुम्हारा मर्जी, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं मिला तो भी ठीक है, पर तुम्हें नहीं खाने देंगे। तू भी उसे नहीं खाएगा। अरे मेरा पूंछ। ओफो। अरे अरे ये झगड़ा कितना अच्छा है। बच्चों क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हो? लोमड़ी जी, आप तो बहुत बुद्धिशाली है ना, हमारे इस झगड़े का हल बताओ ना। बिल्कुल, क्या है समस्या? मैंने उस फल को पहले देखा था, अब ये कह रहा है कि उसे चाहिए। लोमड़ी जी, मैंने ही उस फल को पहले देखा था। ओफो, तो ये फल है तुम दोनों के समस्या। ये तो बहुत बड़ा समस्या है। जो भी हो, तुम दोनों झगड़ा तो शुरू किया है ना, वो तो जारी रखो।
झगड़ा करने के बाद वापस आऊंगा तो मैं इस फल से रस बना के रखूंगा। इसके लिए मैं उस फल को ले रहा हूँ, क्या ठीक है ना? हमें मंजूर है ढके हुए वापस आने वाले हमारे लिए रस बना के रखना। बस फल का ही देरी है, मिलते ही रस तैयार। मैंने पहले फल को देखा था ना, इसलिए फल का रस पूरा मैं ही पीऊंगा। तुझे नहीं पिला दूंगा। बाप रे मेरा नाक। अरे बुद्धुओं, क्यों तुम दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा था। तुम दोनों झगड़ा करने के बजाय उसे बांधकर खाना चाहिए था ना, अब दोनों को नहीं मिला। वो लोमड़ी तुम दोनों को उल्लू बना के उस फल को लेकर गया। दोस्त, जैसा हाथी भैया कहा उसी तरह हमें उसे बांधकर खाना चाहिए था, हम ऐसा उल्लू नहीं बन जाता। वो तो सही है, झगड़ा किसी समस्या का भी हल नहीं है। अरे नन्ही नन्ही, रुकना जरा, ये तो देख। सुना सकते हो? हाँ क्यों नहीं, सुना दूंगी ना। एक घमंड हाथी का कहानी सुना दूंगी। जानवरों पक्षियों के अनेक कहानियों और कविताएं लिखे गए मुंशी अपुने के बारे में तो सुना है। उन्होंने लिखे हाथी और सीधे के कहानी तो सुनो। ये मेरी पार्टी विषय में है। लपेटा हाथी सींग वाला हाथी, सुन लपेटा हाथी सींग वाला हाथी। धीरे धीरे एक चींटी उसके सामने आ पहुंचा, धीरे धीरे एक चींटी उसके सामने आ पहुंचा। हाथी ने कहा, देखा नहीं मेरा आना, आँख नहीं है तेरे मुँह पे। देखा नहीं मेरा आना, आँख नहीं है तेरे मुँह पे। मेरे पैर के नीचे आ गए तो क्या हो गए तेरा हाल, मेरे पैर के नीचे आ गए तो क्या हो गए तेरा हाल। चींटे गुस्से से कहा,
ओए मोटे तेरे मुँह पे भी है ना दो आंखे, ओए मोटे तेरे मुँह पे भी है ना दो आंखे। इसका मस्ती ठीक करूँगा कहाँ हाथी, फिर देखते हैं कहाँ चींटी। मुझसे खेलेगा कहाँ हाथी, उस पर पैर रखा सोचा मर गया चींटी। पैर में चढ़के धीरे धीरे चींटी उसके ऊपर, पैर में चढ़के धीरे धीरे चींटी उसके ऊपर। कान के ऊपर आके बोला मैं भी ऊपर बैठा हूँ, कान के ऊपर आके बोला मैं भी ऊपर बैठा हूँ। हाथी उसको गिराने हिलने लगा बार बार, हाथी उसको गिराने हिलने लगा बार बार। सूंड में चींटी काटा तो आवाज के साथ हाथी चीका, सूंड में चींटी काटा तो आवाज के साथ हाथी चीका। चींटी आवाज में बोला अहम किसी को अच्छा नहीं, चींटी आवाज में बोला अहम किसी को अच्छा नहीं, अहम किसी को अच्छा नहीं, अहम किसी को अच्छा नहीं। खमन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, छोटा होते हुए भी चींटी उसे हरा सका। हाथी को मोटा बो और बेल की घमंड दी। मुन्नी क्या हम खेती से गुजर सकता है, खेती के पास गुजरने में कितनी मजा है। मुन्नी पका हुआ गेहूं को देखो, ये फसल मत खाना, किसी ने देख लिया तो हम दोनों को भगा लेंगी। फसल काटते समय नारियों के लोग गीत कितने सुंदर और मजेदार है, ऐसे गीत हमें पढ़ने के लिए है। Oh, oh, oh.
अंदर है। सेट वाले ले जा रहे अनाज, कितना दर्दनक है। देखो वहाँ कीचड़ में एक बाइंस, ऊपर एक कौवा, उसके शरीर से वे कीड़ा खा रहा है। देखो उस सारस को, वो एक पैर में खड़े होकर तपस्या कर रही है। वो तपस्या नहीं कर रहा है, वो शिकार के लिए एक पैर में खड़े रहते हैं। फसल देखते ही मेरे मुंह में पानी भर रही है। मुन्नी देखो उस कूदने वाले हरा रंग के जीव। चिंगुर तो सुना नहीं है, वो है वह जीव। तो सिंगुर के बारे में एक गीत सुनो। खेत खेत में खेलते लहराते हंसी मजाके तुम्हें चिंगु, हम भी चाहते तुम्हारी जैसा खेलना, हम भी चाहते हैं खेलना, हम भी चाहते हैं। चिंगो रो तो कितनी की सुंदर छोटी चिड़िया, चिंगो रो तो कितनी की सुंदर छोटी चिड़िया। क्या हम वापस चले जाएं? माँ मुझे सुबह ही आई से खेलते रहूंगी तो डांटूंगी। छोकरी मुन्नी, क्या तुम सुबह से नन्नी के साथ खेल रही है? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? माँ मैं अभी आती हूँ। Yeah.
सुंदर